बरसाना के विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के दिन पूर्व बरसाना में आयोजित हुए रंगोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले योगी हेलीपैड से सीधा राधा रानी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राधा रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद राधा बिहारी इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित रंग उत्सव कार्यक्रम में संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में ब्रज के और अवध के कलाकारों ने मुख्यमंत्री सहित सभी जनता को अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध कर दिया। मथुरा गोवर्धन के कलाकारों ने बरसाना की लठमार और फूलों की होली का मनमोहक प्रदर्शन किया और राधा कृष्ण के स्वरूपों ने मुख्यमंत्री के मंच पर जाकर योगी आदित्यनाथ तथा तमाम गणमान्य मंत्रियों और साधु संतों को गुलाल लगाकर होली खेली। वहीं अवध से आए हुए कलाकारों ने ब्रज की भूमि में राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं का समागम कर दिया, जिसे देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। हाल ही में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जीतने वाली वंदना श्री ने राधा कृष्ण की रासलीलाओं को लेकर बताया कि राधा कृष्ण की होली मयूराधिका कार्यक्रम रहेगा। उन्होंने बताया कि वह कई वर्षों से विभिन्न मंचों पर तथा देश विदेश में ब्रज की सांस्कृतिक कला का प्रचार प्रसार करती रहेगी। मंच से ब्रजवासियों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने राधे राधे बोलकर समस्त ब्रजवासियों का अभिवादन किया और होली की शुभकामनाएं दी, तो पूरा पंडाल ही राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गायों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अब ना तो गायों को काटने देंगे और ना ही सड़कों पर डंडे खाने देंगे, जल्द ही गायों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री माता गौशाला में चिकित्सालय का उद्घाटन करने के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। नहीं आ पाया, लेकिन इस बार पिछले एक महीने से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी पता नहीं कितने बार बोले होंगे, मेरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में कार्यक्रम था और उन कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ ही मैंने वहां से कल ही सुबह संदेश भेजा कि नहीं, मैं कल आना चाहता हूं, क्योंकि रंगोत्सव का कार्यक्रम लठमार होली की जो दुनिया के अंदर विख्यात है, वह होली चार को है, मैं तीन को ही राधे रानी का दर्शन कर लूं। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं क्योंकि ये हम सब की विरासत है। दुनिया के अंदर हम सब ने अपनी इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, दुनिया को दिखाया है। इतनी गौरवशाली परंपरा, इतनी समृद्ध परंपरा चली थी क्योंकि ये कलाकार वहां पर थे और कलाकारों के द्वारा वहां पर ब्रज क्षेत्र का मयूर नृत्य था, देख रहे थे उस समय आगरा में। और आगरा में आकर के जब मयूर नृत्य को उन्होंने देखा तो लगभग 10 मिनट तक उसको निहारते रह गए। यह है हमारी कला, यह है हमारी संस्कृति। दुनिया के सामने जब यह प्रस्तुत होती है तो पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। यही भारत की ताकत है, ये राधे रानी की ताकत है, ये बांके बिहारी की ताकत है, और इस ताकत को संभाल के रखिए। आप चिंता मत करिए, जो बात यहां पर चौधरी साहब ने कही है उसका भी समाधान होगा। आज रंगोत्सव का कार्यक्रम है, मैं आपके रंग में भंग नहीं डालना चाहता, रंग में खूब रंगोत्सव का कार्यक्रम करिए, खूब खेलिए होली। होली के बाद यहां के कार्यक्रमों के उद्घाटन शिलान्यास के लिए भी आ रहे हैं, बड़े कार्य योजना के साथ हम लोग मथुरा वृंदावन और इस क्षेत्र में आ रहे हैं, सारी समस्याओं का समाधान करके जाएंगे। आप सबको मैं रंगोत्सव का होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। होली का यह उत्सव पूरे प्रदेश वासियों के लिए, पूरे देश वासियों के लिए उत्साह का
खुशहाली का और एक समृद्ध भविष्य का कारण बने, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। राधे राधे। अपने दोनों सहयोगी मंत्रियों जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसीलिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, विकास के किसी कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आड़े नहीं आएगी। याद करना, एक जो बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और वह कार्यक्रम है कि हम सब शुद्ध पेयजल की आपूर्ति इन सब क्षेत्रों में कर सकें, लेकिन जल संचयन का भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है। ये खारा पानी जो ब्रज क्षेत्र का दिखता है, अगर हम व्यवस्थित तरीके से कार्य योजना बना लें तो ये पानी खारापन दूर हो जाएगा, सब पानी मीठा हो जाएगा, सारा पानी यहां का मीठा हो जाएगा और उसको मीठे बनाने की प्रक्रिया के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल संचयन के लिए अधिक से अधिक तालाब का पुनरुद्धार करना, उनको बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ना, यमुना जी की निर्मलता के बाद ये जितने भी तालाब हैं इन तालाबों को मीठे जल के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा कार्य है। और मैं आह्वान करूंगा, क्या जब हम बरसाना में हैं तो हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि यमुना जी की निर्मलता के लिए भी हमें कार्य करना है और साथ ही साथ यहाँ के खारा पानी की समस्या का समाधान भी हमें स्वयं मिलकर के आगे बढ़ाना है। सरकार के सहयोग के बिना किसी अन्य सहयोग के यहाँ की श्रद्धा में यहाँ की भक्ति में श्री राधा श्री कृष्ण के अवकाश हो गया और देखते ही देखते पर्व हम सबके आध्यात्मिक के साथ साथ सांस्कृतिक पर्व बन करके हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। 5000 वर्ष दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी समृद्ध परंपरा नहीं जितना हमारे पास है, इसलिए यहाँ की ब्रज की परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उसी गौरव की अनुभूति में सहभागी बनने के लिए आज मैं विनम्र भक्त के रूप में आप सबके बीच में आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राधे रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। मेरा प्रयास है कि आज जन्म भूमि में भी दर्शन करूंगा और वहां भी दर्शन होने चाहिए। ईश्वर की कृपा ऐसी बरस रही है कि एक एक करके सारी समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। यानी ऐसे लगता है जैसे भगवान ने सैकड़ों वर्षों के सारे कार्यों का समाधान मोदी जी के और मेरे ऊपर दे दिया हो कि हम लोग ही इन समस्याओं का समाधान करके निकले। कितनी अच्छी अनुभूति हुई जब 3 वर्ष पहले हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम दीपावली के दिन किया था, पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ी थी, पूरी दुनिया ने उसको हाथों हाथ लिया और हाथों हाथ लेने का परिणाम भाव कितने मजबूत होते हैं, उन भावों की ताकत को आप एहसास करिए। देखते देखते 500 वर्षों की समस्या का समाधान एक झटके में हो गया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। यह है भक्ति की ताकत, यह है भक्ति की ताकत। सौभाग्य मिला था इसी स्थान पर आने का और रंगोत्सव के कार्यक्रम को हम लोगों ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव तो बरसाना में रंगोत्सव, काशी में देव दीपावली क्योंकि देवाधिदेव महादेव हैं वहां देव दीपावली होगी, प्रयाग में कुंभ, शक्तिपीठों में सभी प्रकार के हमारे शक्ति से जुड़े हुए अनुष्ठान, दोनों बासंतिक नवरात्र और शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ और गंगा और यमुना मैया की आरती के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे गंगा की निर्मलता में हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस बार
आप देख रहे होंगे बरसाना में भी इस नहर में भी पानी आ गया है और प्रयास होना चाहिए कि आगामी 2 वर्ष के दौरान यमुना जी की निर्मलता भी गंगा जी की तरह ही हो जाए और इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, ये हमारी पहचान है, ये केवल नदी नहीं है, इनके साथ हमने मां का संबंध जोड़ा है। एक आत्मीय भाव हमने जो भाव के साथ और भी जुड़ना चाहिए। हमारी ये गौ माता न कसाई खाने जाएगी न सड़कों पर लाठी खाएगी, हम इसके लिए अच्छे आश्रय स्थल बनाएंगे, इनकी सेवा करेंगे, इनकी देखभाल करेंगे और फिर दूध और घी की नदियां बहाने का कार्य भारत की धरती से करेंगे। दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आज दुनिया के अंदर भारत के दूध की और दूध से बने हुए उत्पाद की मांग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे देश में अभी भी गोवंश में खुरपका और मुंहपका बीमारी है और इस बीमारी को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए ही 11 सितंबर 2019 को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसी धरती पर आए थे और इसी जनपद से उन्होंने पूरे देश के अंदर खुरपका और मुंहपका की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया। हम सब भी इसमें सहभागी बने, हर जनपद को हम दवा भेज रहे हैं, वैक्सीन भेज रहे हैं, हर गोवंश को एयर टैग करना है, एक टैग लग जाएगा और उसके अनुसार फिर हम चिन्हित करेंगे कौन सा ऐसा गोवंश है जिसको हम लोगों ने दवा नहीं दे पाए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है, हमारी सरकार ने भी तय किया है निराश्रित गोवंश के लिए गो आश्रय स्थल हम बनाएंगे। अगर किसान अपने घर में निराश्रित गोवंश की देखभाल करेगा तो उस किसान को हर गोवंश के लिए हर महीने 900 रुपए सरकार अपनी तरफ से देने का कार्य करेगी। दर्शन करने के लिए यहां पर उपस्थित सभी उपस्थित श्रद्धालुजन, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। कितने हम गौरवशाली हैं, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण और श्री राधे जी का प्रकाट इस धराधाम पर होता है और कितनी समृद्ध हमारी परंपरा है कि हमारे पूर्वजों ने उस समृद्ध परंपरा को आज भी उसी संजीदगी के साथ उसी जीवंतता के साथ सजो करके रखा है। और यहां तो कण कण में हम बांके बिहारी का राधे जी का दर्शन पाते हैं। तो भाइयों बहनों अच्छी फसल उगेगी यहां पर, ये तो आप देख रहे होंगे कितना बड़ा कार्य हुआ है। अभी हम लोगों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए 177 करोड़ रुपए की एक परियोजना को अपनी स्वीकृति दी है। ब्रज क्षेत्र तीर्थ विकास के लिए भी बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। आपदा को रोकने के लिए 18-19 में यहां के किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, 123 करोड़ रुपए की आपदा राहत निधि यहां के किसानों में वितरण करने का कार्य हुआ और विगत वर्ष भी इस वर्ष भी फसल को जो नुकसान हुआ था उसके लिए भी हम लोग 57 करोड़ रुपए अब तक भेज चुके हैं कि भाई जो भी किसान को नुकसान हुआ है ये हमारा अन्नदाता है, उसकी भरपाई सरकार करेगी, सरकार उसमें सहयोग करेगी। भाइयों बहनों कहीं भी कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। जो बात श्रीकांत जी ने कही, जो बात चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने कही, हम सब उसके साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ब्रज क्षेत्र के सभी श्रद्धालुजनों को, सभी पूज्य संतों को जिन्होंने गो रक्षा का भी बहुत अच्छा काम किया है।
अभी हम जा रहे हैं रमेश बाबा की गौशाला में, 50,000 से अधिक गोवंश है वहां पर। गो माता की सेवा कैसे होनी चाहिए, यही तो है गो इन सभी को, उन सभी सात पवित्र स्थलों को तीर्थ के रूप में बना करके और ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नाम पर एक संस्था का भी गठन किया कि यहाँ की आध्यात्मिक, यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ के भौतिक विकास की कार्य योजना को आगे बढ़ाया जा सके। और इन जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के परम वैष्णव श्री शैलजा कांत मिश्र जी को इसका दायित्व दिया गया कि वे जाकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लें और वहां के भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत दिनों से सोचता था कि क्या राधा रानी जी के दर्शन हो पाएंगे। मैं 2 वर्ष पहले भी आया था लेकिन इतनी भीड़ थी कि मैंने उचित नहीं समझा जा पाना। ये मैंने अपने गर्भभाव थे लेकिन आज्ञा तो राधे रानी की ही थी कि मैं वहां इस समय ना हूं क्योंकि भक्तों को परेशानी हो सकती है। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.